हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे अगर कैपेसिटेंस जो है अगर सीरीज में कनेक्ट है और पैरेलल में कनेक्ट है, एक से ज़्यादा कैपेसिटर जो हैं अगर उनको अगर अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको देखते हैं। ये कोई तीन कैपेसिटर अपन ने लिए हैं, ये C1, ये C2 और ये C3। ये कोई सप्लाई है वी वोल्ट की, जो सीरीज में अगर ये कनेक्ट हैं, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं C1 C2 C3, तो इसमें जो चार्ज होगा, जो चार्ज की जो वैल्यू होगी तीनों कैपेसिटेंस में वो समान होगी। जैसे इस पर क्यों चार्ज, इस पर भी क्यों चार्ज होगा और इस पर भी क्यों चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव, जो तीनों कैपेसिटर हैं उन पर चार्ज है वो समान होगा क्यों, और ये इधर पॉजिटिव और ये इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव और ये इधर नेगेटिव। अब जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1, इसके अक्रॉस जो होगा वो V2, इसके अक्रॉस जो होगा वो V3 वोल्टेज। इसको अपन ए टर्मिनल दे देते हैं, इसको बी टर्मिनल दे देते हैं। अब अपन इसमें क्या करेंगे, जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज V, इसमें अगर इस जो सर्किट में V बराबर क्या होगा, इसमें अगर देखेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपन बोल सकते हैं तीनों वोल्टेज का योग, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये अपन बोल सकते हैं। अब इसमें जो V1 की वैल्यू है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्ज का जो रिलेशन है वो आप जानते हो, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। तो V1 वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस है और C1 ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है और क्यू चार्ज है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू Q अपॉन C3, ये टोटल वोल्टेज V बराबर। यहाँ पे जो Q है वो कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ये आगे अब क्यों को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन Q बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अपन ने देखा था पहले बाय द डेफिनेशन कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस C बराबर Q/V, जो अपन ने अभी देखा है, अपन ने Q/V, तो C बराबर क्या है, Q/V, तो V/Q क्या होगा, 1/C। अब ये कौन सा कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस, तो इसको CT नाम दे देते हैं, बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो टोटल जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, टोटल कैपेसिटेंस CT बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब इससे आप देखोगे कि CT की वैल्यू, CT बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आ गया। तो अपन देखेंगे कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट है तो वो जैसे रजिस्टर
पैरलर में कनेक्ट होता था उस तरीके से इसका, जैसे रजिस्टर अगर पैरलर में कनेक्ट है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे अपन, उसी तरीके से अगर कोई कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट है तो उसका निकालेंगे तो सेम उसी तरीके से निकलेगा। अगर दो कैपेसिटेंस कनेक्ट हैं C1 C2 तो उसका कैसे निकालेंगे, तो उसका डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, अगर कोई इफ़ एनी टू, कोई भी दो जो हैं टू कैपेसिटर हैं C1 और C2 आर कनेक्ट इन पैरलर, तो क्या आएगा 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और CT बराबर आएगा 1/C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं अगर कोई भी कैपेसिटर कई कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनको ऐसे निकाल सकते हैं। आगे अपन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं आगे, कैपेसिटर इन पैरलर, अगर कैपेसिटर पैरलर में कनेक्ट है तो कैसे निकालेंगे। अगर पैरलर में कनेक्ट हैं तो अपन देखेंगे कोई भी तीन कैपेसिटर ले लेते हैं, एक दो तीन, कोई भी तीन कैपेसिटर ले लिए, ये V इसके अक्रॉस कोई V वोल्टेज सप्लाई है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, इसमें होके मान लीजिए इस पूरे सर्किट में होके क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों चार्ज है, तो इसमें अपन मान लेते हैं कोई भी Q1 चार्ज, इसमें मान लेते हैं अपन कोई भी Q2 चार्ज और इसमें मान लेते हैं अपन कोई भी Q3 चार्ज। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसमें अपन देखेंगे कि टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज क्यों, टोटल चार्ज क्यों बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों बराबर क्या होता है, CV, तो इधर लिखेंगे Q1 जो चार्ज है उसके अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना है C1 इनटू वोल्टेज कितना है, वोल्टेज V, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है V वोल्टेज, तीनों के अक्रॉस चाहे वो C1 है चाहे वो C2 है चाहे C3, तीनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज है V, तो C1 इनटू V, C2 इनटू V प्लस C3 इनटू V। यहाँ पे वोल्टेज ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 क्यों बराबर, अब Q/V बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q/V क्या होता है, कैपेसिटेंस, ये टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर कोई भी तीन कैपेसिटेंस अगर, तो इस तरीके से अगर कैपेसिटेंस पैरलर में कनेक्ट हैं तो उनका टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से निकलेगा। जैसे कि कैपेसिटर अगर पैरलर में
कनेक्ट हैं तो रजिस्टर जैसे सीरीज में कनेक्ट थे, सीरीज में अगर रजिस्टर कनेक्ट हैं तो कैसे निकालते थे? टोटल रजिस्टेंस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, उसी तरीके से अगर उसी तरीके से निकलेगा पैरलर कैपेसिटर अगर कनेक्ट हैं तो उनका टोटल कैपेसिटेंस सी टी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। इस तरीके से आए हुए अगर कोई भी सवाल आए, न्यूमेरिकल आए, तो उस तरीके से अपन कर सकते हैं, या इनका डेरिवेशन या फॉर्मुलेशन वगैरह पूछे तो ये अपन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनका सीरीज पैरेलल में अगर कैपेसिटर कनेक्ट है तो कैसे निकालेंगे।